नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है नगर संग्राम का। उत्तर प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी ताकत झोंक रहे हैं। सभी पार्टी निकाय चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। उत्तर प्रदेश में हो रहे निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में है। तो वही प्राइम टीवी की टीम अपने खास कार्यक्रम को लेकर बहराइच नगर पालिका पहुंची है, जहाँ नगर पालिका परिषद से सपा के उम्मीदवार जाहिदा मैदान में उतरी हैं। वहीं उनके सहयोगी हमसे अभी कुछ ही देर में जुड़ेंगे। बता दें कि तारिक खां राष्ट्रीय प्रवक्ता सपा से हमारे साथ जुड़ेंगे, जो जाहिदा का पक्ष रखेंगे। बता दें कि जिनसे जानेंगे कि क्या क्षेत्र के अहम मुद्दे हैं और अगर अहम जनता चुनकर उन्हें भेजती है तो किन प्रमुख समस्याओं पर काम करते हुए नजर आएंगे। साथ ही क्षेत्र में कैसा समर्थन देखने को मिल रहा है, बता दें कि नगर निकाय चुनाव में कुछ ही वक्त रह गया है, जिसको देखते हुए सभी प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। सभी दल सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। वही प्रत्याशी अपने क्षेत्र की जनता के बीच जा रहे हैं और जनता की समस्याएं सुन रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं और जनता का समर्थन जीतने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता तारिक खां जुड़ चुके हैं। तारिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम में। तारिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम में। तारिक जी, आपका आवाज आ रही है हमारी? तारिक जी से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बता दें कि निकाय चुनाव में महज कुछ ही वक्त रह गया है। तारिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम में। तारिक जी, बहराइच नगर पालिका परिषद से सपा की उम्मीदवार जाहिदा उतरी हुई है मैदान में, क्या कहना चाहेंगे? हमने समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके निर्देश पर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ, उसकी व्यवस्था के खिलाफ, शहरों में की गई उनकी खराब व्यवस्था के खिलाफ समाजवादी पार्टी का निकाय में आवाज उठाया। बहराइच जो निकाय है जहाँ का ये चुनाव चल रहा है, इसमें भी जो मुद्दे हैं बहुत साफ है। जो व्यवस्था है जो नगर पालिका को या निकायों को देनी चाहिए, इसमें सफाई है, बिजली है, पानी है, प्रकाश की व्यवस्था है और सौंदर्यीकरण है, इन सब में जिनके पास भी कुर्सियां नहीं है वो पूरी तरीके से उसमें फेल हो। समाजवादी पार्टी का स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे ये हमेशा एजेंडा रहा है कि शहरों की सफाई स्वास्थ्य के लिए और अच्छे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए समाजवादी पार्टी अपने एजेंटों के साथ, जो कि एक स्टेट लेवल पे है और स्थानीय लेवल पे है, दोनों के साथ चुनाव में जा रही है। और हमें पूरा यकीन है कि शहरों की जो सरकार है वो समाजवादी पार्टी का इस बार साथ देगी और भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से रिजेक्शन। तारिक जी, आप जाहिदा जी के बारे में बताएं, उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई? जाहिदा जी जो है वो 1996 में भी समाजवादी पार्टी से ही चुनाव लड़ चुकी है और उसके बाद उनकी अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो MBBS है और अध्यापिका है और निकाय चुनाव लड़ने का उनका तजुर्बा है। निकाय चुनाव लड़ चुकी है राजनीति में समाजवादी पार्टी में। तारिक जी, आपकी आवाज मेरे तक क्लियर नहीं आ पा रही है, फिर से मैं आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगी। बता दें कि निकाय चुनाव में महज कुछ ही वक्त रह गया है, जिसको देखते हुए सभी पार्टी सभी दल मैदान में उतरे हुए हैं और पूरी तरह से अपनी ताकत झोंक दी है। बता दें कि निकाय चुनाव को देखकर सभी पार्टियां मैदान में हैं।
बता दें कि 2006 से 2011 के बीच पति तेजे खान ने संभाली थी सीट की कमान। बता दें कि हमारे साथ बहराइच नगर पालिका परिषद से सपा के उम्मीदवार जाहिदा जी के सहयोगी तारिक खान जुड़े हुए हैं। बता दें निकाय का रण है और रण को देखते हुए सभी पार्टियां पूरी तरीके से चुनावी मूड में नजर आ रही हैं। हर तरफ चुनावी रंग देखने को मिल रहा है। वहीं प्राइम टीवी लगातार हर एक वार्ड में जा रही है, हर एक प्रत्याशी से बातचीत कर रही है। वहीं हमारी प्राइम टीवी की टीम बहराइच पहुंची हुई है, जहां बहराइच नगर पालिका परिषद से सपा के उम्मीदवार जाहिदा मैदान में उतरी हुई हैं। बता दें कि हमारे साथ तारिक खान जुड़े हुए हैं। निकाय चुनाव के रण को देखते हुए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। बता दें निकाय चुनाव में कुछ ही वक्त रह गया है, 4 मई को पहले चरण का चुनाव होना है, जिसको देखते हुए सभी प्रत्याशी अपने जनता के बीच जा रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। एक बार फिर से हमारे साथ तारिक खान जुड़ चुके हैं। तारिक खान जी, जाहिदा जी जब राजनीति का जब उन्होंने सफर तय किया तो उनको कौन कौन सी चुनौतियां झेलनी पड़ी? राजनीति सफर में उनके साथ उनके पत्नी होती रहे, यहाँ 10 साल नगर पालिका के चेयरमैन थी और उन्होंने अपने कार्यकाल में जो व्यवस्था दी है, जो उनका कार्यकाल था इससे पिछड़ा वाला 2007 से 12 तक था, उस व्यवस्था को आज भी लोग याद करते हैं। उनका जो नगर पालिका चलाने का जो तजुर्बा है वो बहुत लंबा रहा है। उनके कार्यकाल में जो व्यवस्था थी, जो नगर पालिका के दायित्व थे उनको निभाने में नगर पालिका सक्षम रहा था, मगर जब उनके बाद जब से वो चेयरमैन नहीं रहे 10 सालों से, तो जो नगर पालिका के दायित्व है स्थानीय स्तर पर उसको निभाने में जो निकाय है, जो निकाय के जो प्रतिनिधित्व करने वाले थे इन 10 सालों में, वो पूरी तरीके से खोए रहे हैं। जनता उनको याद कर रही है और इस बार हमें पूरा यकीन है कि बड़ी भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी बहराइच में बीजेपी के हराकर निकाय का अपना अध्यक्ष बनाएगी, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। तारिक जी, मैदान में और भी पार्टियां हैं, अपने कंपटीशन में किसे देख रहे हैं? हमारी लड़ाई सीधे भाजपा से है, पूरे उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से स्थानीय स्तर पर और राज्य स्तर पर, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो या बाहर हो, सिर्फ एक पार्टी लड़ रही है, एक आवाज लड़ रही है, जिस पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है, उस आवाज का नाम अखिलेश यादव है। हम उस आवाज को मजबूत करने के लिए हर ताकत लगाएंगे कि वो आवाज मजबूत हो और समाज और भारतीय जनता पार्टी का जो काला राज्य है उसका खात्मा हो। निकाय चुनावों को आने वाले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है, फिर से तारिक खान से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बता दें कि निकाय चुनाव के रण को देखते हुए सभी पार्टियां चुनावी मोड में नजर आ रही हैं। वहीं सभी प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं और अपना पक्ष रख रहे हैं। निकाय चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। बता दें कि निकाय चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। तो एक बार फिर से हमारे साथ तारिक खान जुड़ चुके हैं। तारिक जी, तो आप भाजपा को कितनी टक्कर दे पाएंगे, क्या लगता है जनता का कितना समर्थन मिलेगा? पार्टी को टक्कर तो पूरे उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है, अगर हम उसकी भी बात करें तो उसमें समाजवादी पार्टी हर स्तर पर शहरों, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि वो स्मार्ट सिटी बनाएंगे, अगर आप खुद को देख ले
तो स्मार्ट सिटी के अंदर सिटी की जो व्यवस्था थी समाजवादी के कार्यकाल में उससे और बदतर स्थिति हो गई है। अगर नगर निगमों की बात करें या नगर पालिकाओं की बात करें तो जो मुख्य दायित्व था वो सफाई का था, इसमें पूरी तरीके से फेल दिखाई दी है। हम कोशिश करेंगे कि बेहतर व्यवस्था दे आने वाले जब हम निकायों पे हमारे मेयर या हमारे अध्यक्ष बैठते हैं तो बेहतर से बेहतर व्यवस्था देकर एक अच्छी निकाय चलाकर जिनको शहरों की सरकार में की जो एजेंडा रहा है भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में, उन्होंने कहा हमें हमारे पास दो इंजन है और तीसरा इंजन चाहिए। डबल इंजन की सरकार को बताते हैं और तीसरा इंजन जो निकाय है उनको कहते हैं। मेरा सवाल ये है कि जो दो इंजन है वो तो आपके पहले से फिसड्डी है, काम नहीं कर पा रहे। अब जब दो इंजन मिला के जो डब्बे हैं उत्तर प्रदेश के उनको आगे नहीं घसीट पा रहे हैं तो आपको तीसरा इंजन भी चाहिए। अब आपको कितने इंजन चाहिए इसकी भी जरूर इस चीज को स्पष्ट करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि आपकी केंद्र में सरकार, आपकी राज्य में सरकार है, उसके बाद भी आपको डेवलपमेंट के लिए और सरकारें चाहिए। क्या ये दो सरकारें आपके सांसद आपके विधायक पर्याप्त नहीं है? आपके पास यहाँ पर 60 के करीब सांसद है, आपके पास अच्छे खासे यहाँ पर विधायक हैं, आपके पास MLC है, क्या वो काम नहीं कर पा रहे कि आप शहर की भी सरकार के पीछे लगे हुए? बिल्कुल ये डिपेंडेंट जनता का होगा, शहरों की सरकार किसकी होती है। लेकिन क्या BJP ये मान चुकी है कि वो अपने निकायों अपने जो राज्य और केंद्र के तंत्र के साथ डेवलपमेंट नहीं कर पा रही है? अगर ये मान लिया है तो हम निकाय को उनको चुनौती मान जी। तारिक जी, जाहिदा जी जनता के बीच जा रही होंगी, उनकी समस्याओं को सुन रही होंगी, अपनी बात कह रही होंगी, जनता का कैसा समर्थन देखने को मिल रहा है? जनता का समर्थन सिर्फ बहराइच में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को बहुत बड़े पैमाने पे मिल रहा है। जो निकाय होते हैं उसके मुद्दे अलग होते हैं, निकाय के मुद्दे बुलडोजर नहीं हो सकते। सबसे पहले इस बात को समझिए, निकाय के मुद्दे शहरों की व्यवस्था हो सकती है, निकाय के मुद्दे शहरों में प्रकाश की व्यवस्था हो सकती है, निकाय के मुद्दे पटरी दुकानदार हो सकते हैं, निकाय के मुद्दे जाम की व्यवस्था हो सकते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी की यह नीति है कि वो अपना जो बुलडोजर तंत्र है उसके सहारे सारे चुनाव जीतते, ऐसा नहीं होता है। पंचायत चुनाव के मुद्दे अलग हैं, निकायों के मुद्दे अलग हैं, लोकसभा के मुद्दे अलग हैं। हम ये चाहते हैं कि हर चुनाव के मुद्दे उस चुनाव के हिसाब से सेट हो और चुनाव लड़ा जाए। निकायों के ही मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब ने कहा है कि हम शहरों में जो लोग अच्छा काम करेंगे, अच्छी व्यवस्था देंगे, शहरों का अच्छा डेवलपमेंट करेंगे, समाजवादी पार्टी उनको सम्मानित भी करेगी, इस तरीके का भी स्टेटमेंट राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने दिया। अगर मैं आपके अभी क्षेत्र की बात करूं तो अभी वहां कौन सी आप बड़ी समस्याएं देखते हैं? समस्या यहाँ पर इतनी है कि अगर गिनना शुरू करें तो शायद 100 पार हो जाए। कुछ गिना देता हूँ, निकलेंगे तो यहाँ पर पाइपलाइन बिछाई गई, इसमें सड़क के गड्ढे खोद दिए गए और उसके बाद उन पाइपलाइनों को सड़क को खोद के पाइपलाइन तो डाली गई वाटर सप्लाई की, मगर सड़क को वैसा ही ठीक नहीं किया, जिस स्थिति में सड़क थी वो वैसा ही छोड़ दी गई। ये इस समस्या से जनता को बहुत परेशानी हुई। इस व्यवस्था को बनाने की जो मूल जिम्मेदारी है वो नगर पालिका की, मगर जिनके पास नगर पालिका की कुर्सी थी बहराई में वो ये व्यवस्था देने में या इनको समझने में या नगर पालिका चलाने में मैं मोटा मोटा कहती हूँ तो बिल्कुल फेल रहे। ऐसा ही अगर जितने दायित्व है नगर पालिका, कहता हूँ 15 दायित्व है नगर पालिका में, तो 15 में वो 15 में फेल रहे, इसलिए जनता की तरफ से उनके लिए रिजेक्शन है और हमें अपार समर्थन मिल रहा है। हम जनता से का दिल की गहराइयों से शुक्रिया करते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने समाजवादी पार्टी और बहराइच में जो हमारे नेता है श्री यासिन शाह साहब और जो भी मन्नान साहब है और हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष है और तमाम नेता है, उन सब की जितनी मेहनत की और
समाजवादी पार्टी के जो बहराइच के अगुवादार है हमारे श्री आशुतोष यादव साहब, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव सालू भाई, अखिलेश यादव सालू भाई, अखिलेश यादव तेजे का, अखिलेश यादव तेजे का। तारिक जी, जो ये आप बता रहे हैं कि क्षेत्र में तमाम समस्याएं हैं, व्यवस्था नहीं है, तो इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? जिम्मेदार सबसे सीधे दो लोग हैं, जिनके पास जो मौजूदा चेयरमैन थे वो जिम्मेदार हैं जी, और भाजपा सरकार भी जिम्मेदार है, क्योंकि इनके पास स्टेट सरकार है, या जब जनता को उनकी जरूरत होती है तो वो जनता के बीच में नहीं रहते। अगर जनता ने आपको मैंडेट दिया है, मैंडेट का मतलब ये होता है वोट दिया है, तो जनता के मुद्दों को लेकर आपको प्रशासन के पास भी जाना है और वापस जनता के पास भी जाना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जनता आपको उठा के पटक देगी और आपको ये दिखाएगी कि आपकी राजनीतिक हैसियत क्या है। इसलिए मेरा ऐसा और समाजवादी पार्टी का जो लोहिया वाली लोग है उनका मानना है कि जनादेश सर्वोपरि, अगर जनादेश ही सब कुछ है, अगर समाजवादी पार्टी को विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला है तो समाजवादी पार्टी ने उसको सर आंखों पे रखकर स्वीकार किया है, और हम सिर्फ सवाल करने का जो हमको दायित्व दिया है जनता ने, हमको सवाल करते हैं भारतीय जनता पार्टी से, और जब हम सवाल करते हैं तो वो हमको देशद्रोही बताते हैं। ये समस्या है, हमको दायित्व मिला है सवाल करने का, वो दायित्व हमारा बहराइच में अखिलेश यासिर शाह साहब निभा रहे हैं, जो कि हमारे नेता है बहराइच में, पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है, और बहराइच की सीट यासिर शाह साहब के नेतृत्व में भारी मतों के साथ जीत कर हम अखिलेश यादव साहब के पास जाएंगे और ये बताएंगे कि हमने तारिक जी, आप जनता के बीच किस एजेंडे के साथ जा रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं? जो एजेंडे सेट होते हैं दो स्तर पर, एक तो जो समाजवादी पार्टी का एजेंडा है वो बिल्कुल क्लियर कट है, यासिर शाह साहब के नेतृत्व में हम जनता के बीच जा रहे हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां है उनका पर्दाफाश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की दो दो सरकार होने के बाद उन्होंने शहरों का सौंदर्यीकरण, उनकी व्यवस्था, उनकी प्रकाश की व्यवस्था, इसको सत्यानाश कर दिया, बर्बाद कर दिया। अब जो शहरी लोग हैं उनको बेहतर व्यवस्था देंगे, उनको जो प्रकाश की व्यवस्था है और निकायों से जुड़ी जितनी व्यवस्था है सब गिना सकता हूँ, मेरा निकायों का बहुत लंबा तजुर्बा रहा है, तो बेहतर व्यवस्था देने की कोशिश करेंगे, ताकि जो जनता है जो आपको कुर्सी पर बैठाती है उसको निराशा ना, क्योंकि ये जो 10 साल का वक्त रहा है उसमें जनता को बहुत निराशा हो। तो जनता अगर आपको मौका देती है तो सबसे पहले अपने क्षेत्र में क्या काम करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो व्यवस्था खराब है जी, जैसे ऑफिस की व्यवस्था बहुत खराब है, जैसे ये मैंने जो बताया गड्ढों की जो समस्या है ये बहुत खराब है, सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये मानता हूं मैं कि नगर पालिका के पास कर्मचारियों का अभाव है, लेकिन क्या कम कर्मचारियों के साथ काम नहीं किया जाता है? पुलिस भी कम कर्मचारियों के साथ व्यवस्था दे रही है, अगर पुलिस विभाग कम कर्मचारियों के साथ प्रति व्यक्ति पुलिस मतलब एक पुलिस कितने व्यक्तियों पे चाहिए वो, और एक डॉक्टर कितने लोगों पे चाहिए, या एक सफाई कर्मी कितने लोगों पे चाहिए, तो इस व्यवस्था को अगर दूसरे विभाग बना सकते हैं तो निकाय भी बना सकते हैं। हम उसकी तरफ अग्रसर होंगे कि निकायों को बेहतर से बेहतर व्यवस्था जी। तारिक जी, मीडिया एक सशक्त माध्यम है, अपनी बात कहने का प्राइम टीवी के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? साधारण सी बात है, समाजवादी पार्टी को मौका दे, जो हमारी प्रत्याशी है उनको मौका दे, बहराइच का नेतृत्व कर रहे अब्दुल मन्नान साहब हमारे मंत्री जी यासिर शाह साहब के नेतृत्व पे विश्वास करें, हमें मौका दे, हम बेहतर से बेहतर व्यवस्था बनाकर
और बहराइच को एक एक, एक बेहतर निकाय के रूप में प्रदर्शित कर राज्य सरकार के सामने दी। जी तो तारिक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो आज मुलाकात हुई तारिक खां से, जिनका साफ तौर पर कहना है कि समाजवादी पार्टी को जनता अगर मौका देगी तो वो जनता के लिए बेहतरीन काम करेंगे। बता दें कि बहराइच नगर पालिका परिषद से सपा की उम्मीदवार जाहिदा मैदान में है। बता दें निकाय चुनाव का रण है और रण को देखते हुए सभी राजनीतिक दल चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। हर एक पार्टी हर एक दल चुनावी मैदान में है, वहीं प्रत्याशी अपने क्षेत्र में जा रहे हैं और जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और जनता के समर्थन का पूरी पूरी अपील कर रहे हैं, वोट अपने हक में मांग रहे हैं। फिलहाल नगर संग्राम में अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।